दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप भी गूगल में कुछ भी टाइप करते हैं और सर्च करते हैं, या कहें तो आप गूगल का आज भी स्मार्ट तरीके से यूज नहीं करते हैं? तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए गूगल ट्रिक्स का एक कंप्लीट सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के लिए 4 वीडियोस अपलोड करूंगा और उन 4 वीडियोस में मैं आप लोगों को 60 से भी ज़्यादा गूगल ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे दोस्तों आप लोग गूगल का स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकेंगे। दोस्तों, मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका है गूगल का, जिसमें मैंने गूगल के बेसिक सेटिंग्स और उसके फीचर्स वगैरह के बारे में बताया है। आप आई बटन पर क्लिक करके या तो फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज की वीडियो में। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे मोबाइल में कुछ इमेजेस रहते हैं, कुछ फोटोज़ रहते हैं जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, तो फिर फिजिकल फॉर्म में हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं या कुछ चीज़ें रहते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं रहता। तो दोस्तों, ऐसे फोटो या इमेजेस को सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पास गूगल लेंस पर जाना है और जो भी देखिए दोस्तों, यहाँ पास आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, ट्रांसलेट, टेक्स्ट सर्च, होमवर्क, शॉपिंग, प्लेसेस और डाइनिंग का। तो दोस्तों, आपको सर्च के ऑप्शन में जाना है और जिस भी इमेज को सर्च करना चाहते हैं उसको आप गैलरी से या तो फिर आप इसको डायरेक्ट यहाँ से फोटो क्लिक कर सकते हैं। लाइक मैं देखिए इस बुक को सर्च करता हूँ। देखिए दोस्तों, इस बुक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गूगल में है और उसका इमेज यहाँ आपको शो हो जाएगा। इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, लाइक हम मैथ्स और केमिस्ट्री या कुछ सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता नहीं होते, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होते। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए दोस्तों आपको गूगल लेंस में आना है, होमवर्क के ऑप्शन में जाना है और जो भी क्वेश्चन है उसका फोटो यहाँ से क्लिक कर लेना है या तो फिर आप गैलरी से भी इसको सर्च कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा गूगल आपको शो कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आ गया है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो गैलरी से भी आप इसको डाल सकते हैं। लाइक क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लिया था मैंने, देन इसको कवर कर लेता हूँ, देन इसको यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, उससे रिलेटेड जो भी आंसर है यहाँ पर देखिए आपको शो हो गया। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन का। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर बेसिक कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर देखिए आपकी कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहाँ से गूगल लेंस से सर्च कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ टेक्स्ट पता होते हैं, लेकिन हमें उस टेक्स्ट के बारे में और जानकारी चाहिए रहता है कि आखिर में वो कहाँ से है, किसने बोला है। उसके लिए दोस्तों आपको टेक्स्ट में जाना है और उसका इमेज यहाँ से क्लिक कर लेना है, या तो फिर आप गैलरी से भी उसका यदि स्क्रीनशॉट हो तो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से इसका इमेज क्लिक कर लेते हैं, देन दोस्तों इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं। अब देन देखिए दोस्तों, इसका सर्च कर देते हैं। देखिए दोस्तों, जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। देखिए सबसे पहले फेसबुक में दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ हेड़ा जी को दिखा रहा है और उनका बुक। दोस्तों, ये जो कथन है, जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं, इसको दरअसल सिर्फ हेड़ा जी ने ही बोला है। देखिए यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, सिर्फ हेड़ा बेस्ट कोर्स जीत आपकी बुक से लिया गया है इसको। आप चाहें तो दोस्तों उस बुक को पढ़ भी सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने पढ़ा है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। देन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमें ट्रांसलेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल लेंस में जाना है और यहाँ पर जो ट्रांसलेटर है यहाँ पर क्लिक करना है और दोस्तों जो भी आपका टेक्स्ट है उसका फोटो यहाँ से क्लिक कर देना है। देन देखिए दोस्तों, इसका आपको यहाँ पास से शो हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसका हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद यहाँ पास दिखाया गया है। विनर्स डू नॉट डू मैनी थिंग्स, दे डू डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम एवरीवन। इस तरह से दोस्तों आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने ट्रिक नंबर 5 पर। ट्रिक नंबर 5 है दोस्तों कि अब कभी कभी आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं या आपको कभी कभी इमेजेस की जरूरत पड़ जाता है विदाउट कॉपीराइट के लिए, तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, जो भी टॉपिक उसको सर्च कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको फिल्टर लगा सकते हैं, न्यूज, शॉपिंग, बुक्स, इमेजेस, तो आपको यहाँ पास इमेजेस पर जाना है और यहाँ पर जो सर्च टूल है यहाँ पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको यूजेज राइट में जाना है, क्रिएटिव कॉमन लाइस में जाना है। अब दोस्तों जो भी आपको इमेजेस शो हो रहा है वो विदाउट कॉपीराइट वाला इमेजेस है दोस्तों, आप इसको डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हमें मूवी देखने का मन होता है लेकिन हमें मूवी का नाम नहीं पता होता है, तो उसके लिए क्या करना है, गूगल में जाना है, व्हाट टू वॉच डालना है और दोस्तों यहाँ से सर्च कर देना है। तो देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारी मूवीज़ वगैरह शो हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर दोस्तों आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यू देखना चाहते हैं तो न्यू पर क्लिक कीजिए, एक्शन मूवी, रोमांस, बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉरर मूवी, इस तरह से आपको कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका मूवी का नाम भी पता चल जाएगा।
देन चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक में। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि स्पोर्ट्स वगैरह सर्च करना होता है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, सिंपली स्पोर्ट्स सर्च कर देना है आपको यहाँ, और इसको यहाँ से सर्च कर देना है। देन देखिए दोस्तों, जो भी स्पोर्ट्स वगैरह आपको करेंट में लाइव चल रहा है उसके रिलेटेड न्यूज़ जो भी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पास आपको स्कोर्स का भी ऑप्शन आता है, यहाँ पास आप स्कोर्स भी देख सकते हैं देखिए, और उसके बाद आता है दोस्तों टेबल्स का, देखिए आईपीएल का टेबल्स यहाँ पर शो हो जाता है। इस तरह से आप स्पोर्ट्स वगैरह भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एड अ स्पोर्ट्स शॉर्टकट टू योर होम स्क्रीन, यहाँ पास से आप अपने होम स्क्रीन में इसको एड भी कर सकते हैं। देन दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक के लिए क्या करना है दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी हम लेटेस्ट आर्टिकल्स से लेटेस्ट इमेजेस वगैरह देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है, google.com पर जाना है और फिर यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका टॉपिक है उसको सर्च कर लेना है। लाइक मैं ट्विटर को सर्च करता हूँ, अब मेरे को दोस्तों ट्विटर से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना है जो वो भी लेटेस्ट है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर सर्च टूल का ऑप्शन आता है, यहाँ पर एनी टाइम का ऑप्शन आता है। अब देखिए यहाँ पर आप फिल्टर पर लगा सकते हैं, पास्ट आवर्स, पास्ट 24 आवर, पास्ट वीक, पास्ट मंथ और पास्ट ईयर का। मैं पास्ट आवर्स का देखना चाहता हूँ, तो देखिए दोस्तों अब पास्ट आवर का आ गया, 56 मिनट्स अगो है ये वाला, देन उसके बाद 3 मिनट्स अगो। इस तरह से दोस्तों आप लेटेस्ट आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और ऑप्शन है ऑल रिजल्ट, यहाँ पर देखिए वबी टीम में दोस्तों क्या होता है कि आपने जो भी कीवर्ड से लिखा है एज इट इज़ उस आर्टिकल में होना चाहिए, उस आर्टिकल में होगा वही शो हो जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ से। इस तरह से दोस्तों आप फिल्टर लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ इमेजेस सर्च करना होता है, स्पेसिफिक इमेजेस, लाइक कि कोई इमेज में हम कोई स्पेसिफिक सेंटेंस रखना चाहते हैं, स्पेसिफिक वर्ड रखना चाहते हैं, या तो फिर स्पेसिफिक साइज का, स्पेसिफिक रेजोल्यूशन या स्पेसिफिक रीजन के लिए हम एक इमेज सर्च करना चाहते हैं, तो उसको कैसे सर्च करना है दोस्तों, उसके लिए आपको सर्च करना है गूगल एडवांस्ड इमेज सर्च, यहाँ पर सर्च करते हैं और जो फर्स्ट पेज आता है दोस्तों उसी पर क्लिक करते हैं। देन देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑल दिस वर्ड्स, दोस्तों इसमें उन वर्ड्स को लिखेगा जो कि आप चाहते हैं कि आपके जो रिजल्ट शो होगा इमेजेस उसमें हो। उसके बाद दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, जो लाइंस आप चाहते हैं कि उस इमेज में हो उसको यहाँ पर लिखेगा। लाइक मैं इसको लिख देता हूँ, अब एनी ऑफ दिस वर्ड्स, अब दोस्तों 4-5 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड्स जो एक आप चाहते हैं कि उस इमेज में हो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। नन ऑफ दिस वर्ड्स, दोस्तों कुछ वर्ड्स जिसको आप चाहते हैं कि वो इमेज में बिल्कुल भी ना हो, तो उसके लिए उन वर्ड्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। देन दोस्तों इमेज साइज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ लार्जर देन 640x480 का सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर लीजिए, मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। देन दोस्तों कलर्स इन द इमेज, अब आप यहाँ पर एक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए फुल कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, ट्रांसपेरेंट और दिस कलर का ऑप्शन आता है, मैं एनी कलर ही रहने देता हूँ। फिर टाइप ऑफ इमेज, अब टाइप ऑफ इमेज कौन से टाइप के लिए चाहते हैं, फेस के लिए, फोटो, क्लिप आर्ट, लाइन ड्राइंग या एनिमेटेड, तो मैं दोस्तों इसको फोटो में कर लेता हूँ। देन रीजन, अब आप यहाँ रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया। देन दोस्तों साइट और डोमेन, जिस साइट और डोमेन से आप चाहते हैं उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। देन सेफ सर्च, दोस्तों सेफ सर्च क्या होता है, कभी कभी सर्च करते करते कुछ अनवांटेड चीज़ें भी आ जाती हैं, उसके लिए दोस्तों आप इसको हैड एक्सप्लिसिट रिजल्ट में करिएगा। उसके बाद फाइल टाइप, आप यहाँ पर आप फाइल को कौन सा टाइप, फाइल टाइप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, JPG, GIF, PNG, आप जिस भी फॉर्मेट में फाइल को चाहते हैं उसको आप यहाँ से रख सकते हैं, मैं एनी फॉर्मेट में ही रख देता हूँ। देन दोस्तों यूसेज राइट्स, अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना यूसेज राइट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप विदाउट कॉपीराइट वाला चाहते हैं तो दोस्तों क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस में को चूज़ कीजिएगा, अदरवाइज कमर्शियल एंड अदर लाइसेंस पर चूज़ कीजिएगा, मैं ऑल ही रहने देता हूँ। देन दोस्तों एडवांस्ड सर्च पर क्लिक करते हैं, तो देखिए दोस्तों पूरे फिल्टर होकर देखिए ये इमेजेस आ गए। जिंदगी का यही सच है, चाकू राखी साइया मार सके ना को, एज इट इज़ ओ वर्ड है। इस तरह से दोस्तों आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हमें कोई स्पेसिफिक बुक्स या स्पेसिफिक राइटर्स के बुक्स या तो फिर स्पेसिफिक पब्लिशर्स के बुक्स आदि सब सर्च करना होता है, तो दोस्तों ऐसे सर्च करने के लिए हमें गूगल एडवांस्ड बुक सर्च पर जाना होगा। गूगल पर सर्च कीजिए गूगल एडवांस्ड बुक सर्च, देन जो सबसे पहला व्यक्ति है इस पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों ये आ गया, यहाँ पर फाइंड रिजल्ट में सबसे पहले जो ऊपर में ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर वे वर्ड्स को लिखेंगे जो कि चाहते हैं कि बुक में हो। उसके बाद विथ द एग्जैक्ट फ्रेजेस, दोस्तों आप जो फ्रेज या सेंटेंस चाहते हैं कि बुक्स में हो तो उसको वहाँ पर लिखेगा। फिर विद एटलीस्ट वन ऑफ द वर्ड्स, दोस्तों बहुत सारे वर्ड्स में से यदि आप कोई भी एक वर्ड्स चाहते हैं कि उस बुक में हो तो उसको वहाँ पर लिखेंगे। विदाउट द वर्ड्स, दोस्तों इसमें वे वर्ड्स लिखेंगे जो उस बुक में नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए सर्च का ऑल बुक्स लिमिटेड प्रीव्यू और एंड फुल प्रीव्यू, फुल व्यू ऑनली, गूगल ई बुक्स ऑनली, यहाँ पर सब सिलेक्ट कर सकते हैं। देन कंटेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन लैंग्वेज, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर
सकते हैं। देन दोस्तों टाइटल यहाँ पर आप बुक्स का टाइटल दे सकते हैं, देन ऑथर भी डाल सकते हैं, देन पब्लिशर। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, फिर पब्लिकेशन डेट, देन ISBN, देन ISSN। दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो उसको यहाँ पर डाल दीजिएगा, देन यहाँ पर जो गूगल सर्च का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको रिलेटेड रिजल्ट सर्च हो जाएंगे। लाइक मैं एक बुक सर्च कर देता हूँ, यहाँ पर बुक्स का नाम लिख देते हैं, देन गूगल सर्च पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों शिवखेड़ा सर का यू कैन विन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी बुक सर्च कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हमें कोई स्पेसिफिक रिजोल्यूशन का, स्पेसिफिक साइज का और स्पेसिफिक रिजोल्यूशन का वीडियो चाहिए होता है, इसलिए गूगल एडवांस्ड वीडियो सर्च पर जाइएगा, जो सबसे पहला वेब पेज है उस पर क्लिक करेंगे। देन देखिए दोस्तों फिर वही ऑप्शन आता है, ऑल दिस वर्ड्स, दिस एग्जैक्ट वर्ड और फ्रेज, एनी ऑफ दिस वर्ड्स, नन ऑफ दिस वर्ड्स। उसके बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज, देन ड्यूरेशन, यहाँ पर आप ड्यूरेशन देख सकते हैं दोस्तों, शॉर्ट वीडियो चाहिए, मीडियम वीडियो चाहिए, लॉन्ग वीडियो चाहिए, उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पर डेट, आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पास क्वालिटी देखिए, आप यहाँ से क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, देन साइट ऑर्डर में। उसके बाद यहाँ पास सबटाइटल्स सेलेक्ट कर सकते हैं, देन सेफ सर्च। उसके बाद एडवांस्ड सर्च पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो उससे पर्टिकुलर रिलेटेड रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। इस तरह से आप गूगल एडवांस्ड वीडियो सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हमें कुछ बुक्स पढ़ना होता है और इसके लिए हम जब गूगल में सर्च करते हैं तो हम इस वेबसाइट से उस वेबसाइट भटकते रहते हैं लेकिन हमें बुक्स नहीं मिलता है। तो दोस्तों बुक रीड करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली सर्च करना है गूगल बुक्स और यहाँ पास इस वेब पेज पर क्लिक करना है books.google.co.in में। देन दोस्तों यहाँ पास गूगल बुक्स का होम पेज ओपन हो गया है। अब आप जिस भी बुक को रीड करना चाहते हैं उसको यहाँ पास सर्च कर लीजिए, हर बुक आपको यहाँ पास मिल जाएगा और सिंपली क्लिक कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ से आप इस बुक को ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी बुक सर्च करके रीड कर सकते हैं। कुछ बुक्स को डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता है, आप चाहें तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से और भी अमेजिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।